प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में थोड़ा सब का स्वागत है। आज अभी जमात 8वीं अध्याय 8 राशियों की तुलना की अभ्यास 8.2 जिस विच लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत नाल संबंधित सवाल करांगे। जिवें कि तुसी जानते हो लाभ प्रतिशत कटण का सूत्र ते हानि प्रतिशत कटण का सूत्र तुसी कीता सीगा, ओ की सी बच्चियो? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा खरीद मूल गुणा 100। इस सूत्र की मदद लाभ प्रतिशत पता कर सकते हैं। इसी तरह हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा खरीद मूल गुणा 100। इन्हां सूत्रां दी मदद नाल आपां जिहड़ी अभ्यास दे सवाल हल करांगे। जिवें कि तुहानूं इंग्लिश विच वी दस देवां कि लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लाभ प्रॉफिट बटा खरीद मुल कॉस्ट प्राइस गुणा 100। इसी तरह आपां हानि प्रतिशत नूं असीं लॉस प्रतिशत कहिंदे हां, लॉस परसेंटेज लॉस बटा सीपी गुणा 100। इस सूत्र दी मदद नाल आपां अभ्यास दे सवाल हल करांगे। आओ हुण अभ्यास दे सवाल हल करिए। जिवें कि अपने अभ्यास दा पहला सवाल है, एक व्यक्ति की तनखा 10% वाधा हुंदा है जे उसकी नवी तनखा भाव न्यू सैलरी 1,54,000 है तो उसकी मूल तनखा पता करो, मतलब ओरिजिनल सैलरी पता करनी है। तो देखो आपां किवें हल करते हैं। मान लो असीं की पता करना है, मूल तनखा। तो मान लो मूल तनखा बराबर 100 रुपए है। बच्चे होर सॉल्व किया जाता है, सानू तनखा विच वाधा किन्ना वाधा होया है 10%। तो तनखा विच वाधा बराबर 10%। हुण वाधा होण दे नाल उहदी नवीं सैलरी नवीं तनखा किन्नी हो जाएगी? नवीं तनखा बराबर नवीं तनखा किवें पता करदे हैं? मूल तनखा जमा जिन्ना वाधा होया, किहदे च वाधा होया? मूल तनखा दे विच। तां नवीं तनखा बराबर मूल तनखा किन्नी है? 100 रुपए जमा 10% वाधा किहदे विच? मूल तनखा च, वो किन्नी है? 100 रुपए। तो बच्चों आ जीरो नाल आ जीरो कट गया, अपने कोल की आ गया 100 रुपए जमा 10 अब 110 रुपए। तो अपने को नवी तनखा किन्नी आई है? 110 रुपए, जो मूल तनखा किन्नी सी? 100 रुपए। तो बच्चे हम अपने को की दिता है? अपने को दिता है नवी तनखा, जिदी वरतों दे नाल आपां हुण सवाल आपां हल करांगे। इस दे लई असीं जिहड़ी विधि अपनावांगे वो किहड़ी है? यूनिटरी मैथड, इकाई विधि। वो की कहती है? जेकर नवी तनखा किन्नी आई सी? 110 रुपए, 110 रुपए है ता मूल तनखा किन्नी सी? 100 रुपए बराबर 100 रुपए। जेकर नवी तनखा 1 रुपए है ता मूल तनखा बराबर किन्नी हो जाएगी? बच्चों ज्यादा तो घट वल जाने हैं तो असीं भाग करते हैं, पहले किन्नी सी? 100 रुपए, किन्ना सी नवी तनखा? 110 रुपए भाग 110। हुण जेकर नवी तनखा किन्नी दित्ती हुई है बच्चों? 1,54,000 है ता मूल तनखा बराबर। हुण देखो बच्चो घट तो वध वल जा रहे हैं तो असीं की करदे हैं? गुणा। तो अपने को की हो जाएगा? किन्ना सी? 100 रुपए बटा 110 गुणा 1,54,000। तो इत्थे असीं जीरो कटांगे, जीरो नाल आ जीरो कट गई।
हूँ 11 दे टेबल ते, 11 एकम 11, 11 दे टेबल ते, 11 एकम 11, 15 चौ 11 गे 4, 4 ते 4 44, 11 दे टेबल ते, 11 चौका 44, आ 2 जीरो बच गया, आ 2 जीरो इधर उतार लिया, तो अपने को क्या आ गया 100 गुणा 1400 बराबर 1,40,000, जो कि अपना मूल तनख्वाह है। मूल तनख्वाह बराबर 1,40,000। की किया बच्चों असी इतने यूनिटरी मैथड इकाई विधि की वरतों की, जिदे भी तुसी पहला लेके चलते कि जी मूल तनख्वाह है और 100 रुपए है, तनख्वाह विच वाधा दिता सीगा 10%, तो उसके हिसाब से असी नवी तनख्वाह कढ ली जो अपने को आई 110 रुपए। हुण असी लेके चलिए कि जेकर नवी तनखा 110 रुपए है तो उस वेले मूल तनखा किनी सी 100 रुपए, जेकर नवी तनखा 1 रुपए हो जाए, देखो बच्चे ज्यादा तो घट वाल जा रहे हैं, तो असि इतने आहा वाली वैल्यू बटा आहा वो कर देंगे, जेकर घट तो वध वाल जा रहे हो तो असि उधर वैल्यू जी है इधर लिखी और नाल गुणा कर देंगे, जो सांझा फैक्टर असि कट के आंसर कटिया तो अपने को आया 1,40,000, जो कि उस व्यक्ति की की है मूल तनखा। आओ हम असि अगला सवाल करिए। अपना नेक्स्ट सवाल है, एतवार नू 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, चिड़ियाघर गए किन्ने व्यक्ति गए 845, किस दिन गए एतवार नू, सोमवार नू सिर्फ 169 व्यक्ति गए, चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या विच सोमवार नू किन्ने प्रतिशत कमी हुई। तो इस सवाल विच थानू क्या कहता है, एक तो दिता है कि एतवार नू किन्ने व्यक्ति गए, सोमवार नू किन्ने गए, उदे विच किन्ना घाटा होया ते ओ कमी कढ़नी है, कमी दी प्रतिशत पता करनी है असी। तो आओ हम सवाल हल करते हैं। देखो अपने को क्या दिता है, एतवार नू चिड़ियाघर जान वाले व्यक्तियों की गिनती कितनी है बच्चे, 845। सोमवार नूं चिड़ियाघर जाण वाले व्यक्तियों की गिनती बराबर कितनी है, 169। उस तो बाद की कह रहे, चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। तो देखो हुण विद्यार्थी व्यक्तियों के दी गिनती विच कमी किवें कढांगे, एतवार नूं किन्ने गए सी 845 माइनस सोमवार नूं किन्ने गए 169, तो बच्चे देखो कितना आया 845 माइनस 169, 5 छोटा है 1 ते इधर लवांगे तो कितना बन गया 15, 15 च 9 गए 6, इत्थे किन्ने बच गए 3, 3 छोटा है इत्थों 1 लिया 7 हो गया, इधर इधर कितना हो गया 13, 13 च 6 गए 7, 7 चो 1 गए 6, तो अपने को की आ गया 676। ठीक है, हुण उस तो बाद आपां की पता करना है, कमी दी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत बराबर किन्नी हुई 676, एतवार नूं किन्ने गए सीगे 845 गुणा प्रतिशत कर रहे हैं तो किन्ना गुणा करांगे 100 दे नाल। हुण देखो इहनूं आपां कट्टांगे सांझे फैक्टर नाल, इह दोहे 5 दे टेबल ते जांदे ने, 5 गुणा 2 करदे हां 10, 1 0 बच गया 20 हो गया, 5 दे टेबल ते 5 एकम 5, 8 चो 5 गए 3 34, 5 एक 30 4 बच गया 45, 9 169 ਤੇ 676, ਇਹ ਦੋਵੇਂ 13 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ, 13 ਇਕਮ 13, 3 ਬਚ ਗਿਆ 39, 13 ਤੀਆ 39, ਆ ਵੀ 13 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ,
तेरह पंजा पैंठ, दो बज के छब्बी, तेरह दुनी छब्बी, फिर तेरह दिन बजे तेरह एकम तेरह, तेरह दिन बजे तेरह चौका बवंजा, तब की आ गया चार गुणा बी बराबर 80%। तो तुसी वेख्या कि अपने को क्या दिता सीगा, एतवार नू चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्ति की गिनती वो लिख ली, सोमवार नू किन्ने गए वो लिख ली, उस तो बाद किन्नी कमी हुई, असी एतवार दे विचों जिहड़े सोमवार व्यक्ति गए सी उन्हां दी गिनती माइनस की, जो संख्या आई उस तो बाद कमी प्रतिशत कटने का फार्मूला की है, जो ए वैल्यू आई सी ओह बटा जो एतवार नू सी गिनती गुणा 100 हल करके देखिया तो की आया अपने को 80%। आओ हुण अपना अगला सवाल करते हैं। अपना नेक्स्ट सवाल है, एक दुकानदार 2400 रुपए विच 80 वस्तुआं खरीदा है अते उना नू 16% लाभ ते बेच दिंदा है, एक वस्तु दा बेच मुल पता करो। अपा बच्चे उच कह दिता है, एक तो ध्यान दिता है वस्तुआं दी गिनती कि दिती है 80, आप लिखांगे किन्नी है 80, वस्तुआं दा खरीद मुल किन्ना दिता है बच्चे 2400 रुपए, इन्हां वस्तुआं नू बेचण ते किन्ना लाभ होया उन्हां 16%, तां लाभ प्रतिशत किन्ना है 16%। असी की पता करना है वस्तुआं दा वेच मुल, पहला असी सारी वस्तुओं दा वेच मुल कटांगे, उस तो बाद एक वस्तु दा वेच मुल पता करांगे। तो आओ देखो किवें करदे हां, मान लो वस्तुआं दा खरीद मुल बराबर 100 रुपए, तब वस्तुआं दा वेच मुल बच्चों किन्ने लाभ ते बची होने 16% लाभ ते, तां किद्दां कढ़ांगे, खरीद मुल जमा उस खरीद मुल दे किन्ना लाभ होया सी 16%, तां 16/100 गुणा खरीद मुल, तां इत्थे आ जीरो नाल आ जीरो कट गई, इस जीरो नाल आ जीरो कट गई, अपने की आ गया 100 जमा 16 116 रुपए। तो हम देखो अपन यूनिटरी मेथड की वरतों करते हुए आगे सवाल हल करते हैं। जेकर वस्तुआं दी खरीद मुल बराबर, खरीद मुल कितनी है 100 रुपए, ता वेच मुल किन्नी सी 116 रुपए। जेकर वस्तुआं दी खरीद मुल 1 रुपए है ता वेच मुल बराबर, थानू बच्चे दस्सा सीगा पिछले सवाल दे विच भी कि जेकर ज्यादा तो घट पा जांदे हैं तो असीं की करदे हैं भाग, तब लोग की आ जाएगा 116/100। जेकर वस्तुआं दी खरीद मुल बराबर किन्नी है 2400 रुपए है ता वेच मुल बराबर किन्नी आ जाएगी, घट तो वधवा जावांगे तो की करदे हैं गुणा 116/100 × 2400। तो इतने देखो आ जीरो नाल आ जीरो कट गया, अपने को की आ गया 116/24, गुणा करके देख रहे हैं की आंदा है 116/24, 6 × 24 दो बच गया, 4 × 4 4 × 2 6 4 × 4 6 × 2 = 12 एक आ गया, 2 × 2 2 + 1 = 3 2 × 1 = 2 तब को की आ गया 4 6 + 2 = 8 4 + 3 = 7 2 की आया अपने को 2784 रुपए। बच्चों ये जेड़ा 2784 रुपए आया ये सारी वस्तुओं का बेच मुल आया, पर असी पता की करना है
एक वस्तु का वेच मुल वो देखो किवे करते हैं। एक वस्तु का वेच मुल बराबर सारी वस्तु का कितना है वेच मुल 2784 रुपए। वस्तु कि टोटल 80 भाग करता तो अपने को जो सांझा है कटांगे। पहला दो दरे बदे देखो, दो दरे बदे दो चौका 8, एक जीरो बच गया 40, दो दरे बदे दो एकम दो, दो तिया 6, एक बच गया 18, 9, 2, फिर दो दरे बदे 20 ऊपर किया गया, दो बना 6, 12, एक बच गया 19, 9, एक बच गया 12, 6, फिर दो दरे बदे 10 आ गया, इतने दो दरे बदे कटा की आऊगा 3, 4, एक बच गया 16, 8, तो अपने को की आ गया 348 बटा 10। तुहानू पता है जे नीचे 10 लग्या होवे तो इस साइड तो एक डिजिट छड के की लगना दशमलव डेसीमल, तो अपने को की आ गया एक वस्तु का वेच मुल बराबर 34.80 रुपए। तो अपने देखा इस सवाल दे विच तुहानू क्या क्या दिता होया सी, वस्तुआं दी गिनती दित्ती होई सी, उन्हां दा खरीद मुल दित्ता सीगा, उहदे वेचण ते लाभ प्रतिशत दित्ता सीगा। असी की किता, असी खरीद मुल मान लिया 100 रुपए है, ता इसी तरह वेच मुल कढ़िया वह आया अपने कोल 116 रुपए। फिर असी यूनिटरी मैथड इकाई विधि की वरतों करते हुए देखिया कि जेकर खरीद मुल 100 रुपए है तो वेच मुल 116 सी, जे 1 रुपए है तो भाग करता अपने कोल किन्ना दित्ता सी बच्चो 2400 रुपए खरीद मुल, तो वह वेच मुल कढ़िया कि आया अपने कोल 2784 रुपए। इसी तरह जो पता करने गया से उन्होंने एक वस्तु का वेच मुल वह असी पता किया, वह किवें पता किया कुल वेच मुल जिहड़ा वैल्यू बटा वस्तुआं दी गिनती भाग करके जो सांझा सीगा उहदे नाल कट्टिया, तो अपने कोल की आंसर आया 34.80 रुपए। आओ हुण आपां अगला सवाल हल करते हैं। अपना नैक्सट सवाल है एक वस्तु का मुल रुपए 15,500 रुपए सी, जेकर 750 रुपए उसकी मरम्मत ते लगाए गए तो उसनूं वेचण ते 15% लाभ होया तो उसका वेच मुल पता करो। देखो तुहानू क्या क्या दिता होया, एक तो वस्तु का खरीद मुल दिता है वह कि है 15,500 रुपए, तो वस्तु का खरीद मुल बराबर 15,500 रुपए, मुरम्मत ते खर्च 450 रुपए। उस तो बाद हुण देखो बच्चो जिस वैल्यू ते उन्हें खरीदी सीगी उहदे पर उन्हें खर्चा भी करना पै गया, तो उहदा जिहड़ा खरीद मुल है वह इन्हां दोनों का जोड़ होएगा, तो इसलिए वस्तु का खरीद मुल कितना हो जाएगा 15,500 जमा 450 किया गया 15,950 रुपए। तो हुण देखो बच्चो इस वस्तु जिहड़ी इस वस्तु उन्हें बेचिया किन्ने प्रतिशत लाभ से बेचिया 15%, तो अपने को किया है बेचण ते लाभ प्रतिशत किन्ना है 15%। तो आप देखो हुण आपां यूनिटी मैथड करांगे, मान लो वस्तु का खरीद मुल बराबर 100 रुपए है, तो वस्तु का वेच मुल वो कितना हो जाएगा बच्चों, खरीद मुल जमा उदे पर जो लाभ होया कितना होया 15%, किदे पर लाभ होया खरीद मुल ते गुणा 100। आ जीरो नाल जीरो कट जाणगीआं तां आपणे कोल की आ गया 100 जमा 15 115 रुपए। तां आपणे कोल जदों खरीद मुल 100 रुपए सी तां उस वेले वेच मुल किन्नी है 115। तां यूनिटरी मैथड की कहिंदा है जेकर वस्तु दा
खरीद मूल 100 रुपए है ता बेच मूल बराबर कितना सी बचे हो 115 रुपए। जेकर वस्तु दा खरीद मूल 1 रुपए है ता बेच मूल बराबर ता देखो दस्या सीगा ज्यादा तो कट बजा दिया तो की होएगा भाग 115/100। इसी तरह जेकर वस्तु दा खरीद मूल किन्ना दिता है बच्चे सानू 15,950 रुपए ता वेच मूल बराबर की आ जाएगा घट तो वध जावांगे तो की हुंदा है गुणा की आ जाएगा 115/100 गुणा 15,950। आ जीरो ना जीरो कट गई तो अपने को की आ गया 115/1595/10। अपा ऊपर गुणा करके देखते हैं की बनता है की है अपने को 1595 × 115 5×5=25 दो बच गया 5×45 = 2 = 47 5×25 = 25 = 29 2 × 5 = 5 5×2 = 7 इसी तरह 5×5 9×9 5×5 1×1 इसी तरह आगे 5×5 9×9 5×5 1×1 तो जोड़ांगे ना देखो की बनया 5 7×5 12 1 बच गया 9×1 10 10×9 19 19×5 24 2 7×2 9 9×5 14 14×9 23 2 बच गया 2×1 3 3×5 8 1 तो अपने को की आया 183,425 तो की आ गया 183,425/10। हम बच्चे तुम्हें पता है जे नीचे 10 हो गए तो सज्जे पासो 1 दशमलव लगा देना तो अपने को की बन जाएगा 18,342.50। तो अपने को बेचन ते जरा बेच मूल है वस्तु का वह कि आ गया 18,342.50। तुम इस सवाल में देखा कि इस एक व्यक्ति ने जरा कोई वस्तु खरीदी उसके उपर मुरम्मत भी कराई तो वह खरीद मूल उन्होंने जोड़ बन गया फिर उस तो बाद बेचन से लाभ होया कि 15% तो उसका असं बेच मूल पता करना सी। यूनिटरी मैथड की आप वरतों करते हुए देखिया कि जेकर खरीद मूल 100 रुपए है तो वह मुल कि है बेच मूल इस तरह जो 1 रुपए है तो कि होगा जेकर 15,950 है तो उसका किन्ना होगा असी वेख्या अपना आंसर की आया 18,342.50 रुपए। तो आप हम अगला सवाल करते हैं अपना अज के सैशन का आखिरी सवाल है एक VCR अते टीवी विचों हरेक नू 8,000 रुपए से खरीदया गया दुकानदार नू VCR ते 4% हानि हुई मतलब घाटा होया बेचन ते टीवी ते 8% लाभ होया इस पूरे लेन देन विच लाभ या हानि प्रतिशत करो असी बारी बारी विच दोनों दी केस दी गल करांगे पहले केस विच जिहड़ा हैगा VCR बेचन ते उहनू 4% हानि हुई है पर टीवी बेचन ते उहनू 8% लाभ होया दोहां दा लेन देन तो बाद असी देखांगे कि लाभ होया या हानि होया वह पता करन तो बाद फिर उसका प्रतिशत पता करांगे। तो देखो अपने को क्या कहता है अपने को दिता है VCR दा खरीद मुल VCR दा खरीद मुल बराबर 8,000 रुपए इसी तरह टीवी दा खरीद मुल वह किन्ना दिता है बच्चे वह भी 8,000 रुपए तो कुल खरीद मुल बराबर दोहां दा जोड़ देंगे 8,000 × 8,000 = 16,000 तो दोहां दा कुल जिहड़ा खरीद मुल है वह कितना आया 16,000 रुपए। तो देखो हुण अपने को जिहड़ा पहला केस है VCR उहदे विच उहनूं कितनी हुई है हानि 4%। तो मान लो VCR दा खरीद मुल बराबर 100 रुपए है ता VCR बेचन ते किन्ना होया
हानि 4%। तो बीसीआर का वेच मुल बराबर खरीद मुल माइनस जी हानि हुई है, कितनी हुई है 4%, किसके ऊपर खरीद मुल से। जीरो ना जीरो कट गया अपने को, किया गया 100 माइनस 4 96 रुपए। तो यूनिटरी मैथड लगावांगे, जेकर बीसीआर का खरीद मुल 100 रुपए है तो वेच मुल बराबर कितना आया सी बच्चों 96 रुपए। जेकर बीसीआर का खरीद मुल 1 रुपए है तो वेच मुल बराबर कितना हो जाएगा 96/100। इसी तरह जेकर बीसीआर का खरीद मुल कितना सी बच्चा, बीसीआर का खरीद मुल 8000 रुपए, तो वेच मुल बराबर कितना हो जाएगा 96/100 × 8000। तो आ जीरो ना जीरो कट गया अपने को, किया गया 96/80। आ जीरो एज इट इज आ जाएगी, 6 × 8 6 × 8 = 48, 4 × 9 = 72, 72 × 4 = 76, तक आ गया अपने को 7680 रुपए। तो जेड़ा बीसीआर सीगा उसका वेच मुल कितना आ गया 7680 रुपए। इसी तरह आप टीवी की गल करते हैं, मान लो टीवी का खरीद मुल बराबर सौ रुपए। तो बच्चे हम जो टीवी जब बेचे से लाभ हुआ सी कि हुआ सी 8%, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना 8%। तो टीवी का वेच मुल बराबर वो की हो जाएगा 100 जमा, क्योंकि उन्हें लाभ हुआ है, जमा 8% किसका खरीद मुल का, वो कितना है 100। आज जीरो ना जीरो कट गया अपने को, किया गया 100 जमा 8 108 रुपए। तो आप यूनिटी मेथड लगावांगे, वो की कहता सी जेकर टीवी का खरीद मुल 100 रुपए है तो वेच मुल बराबर कितना है सी 108 रुपए। इसी तरह जेकर टीवी का खरीद मुल रुपए 1 है तो वेच मुल बराबर कितना हो जाएगा 108/100। इसी तरह जेकर टीवी का खरीद मुल रुपए 8000 है जो कि थानू दिता हुआ सी, वेच मुल बराबर वो की हो जाएगा बच्चों 108/100 × 8000। हाँ जीरो ना जीरो कट जाने गया तो अपने किया गया 108/80 भाव आ जीरो एज इट इज लग जाएगी, 8 × 64 = 6 × 8 = 8 8640 रुपए। तुसी इत्थे वेख्या कि अपने दोहां दे केसां दे विच असीं बीसीआर दा वेच मुल कढ़िया ओह किन्ना आया 7680 रुपए, आपां टीवी दा वेच मुल कढ़िया ओह किन्ना आया 8640 रुपए। तो हुण तक जिहड़ा आपां कीता सीगा, आपां की कीता पहला तां खरीद मुल दित्ता होया सी दोनां दा, दोहां दा कुल खरीद मुल कढ़ लिया ओह आया 16000 रुपए। तो दोहां दा वेच मुल कढ़िया ओह आया 7680 जमा 8640। तो आपां हुण कुल वेच मुल देखदे हां आपणा की आया, दोहां दा वेच मुल बराबर कितना आया 7680 जमा 8640
40 अपन जोड़ के देखांगे। देखो 0 जमा 0 0, 8 जमा 4 12, 1 बच गया, 6 जमा 1 7, 7 जमा 6 13, 1 बच गया, 7 जमा 1 8, 8 जमा 8 16, ताकि आया 16320 रुपए। तो अपने को वेज मूल किना आया 16320 रुपए। तो तुसी देखा सीगा खरीद मूल किना सीगा 16000 रुपए। इहदा मतलब जेहड़ा खरीद मूल है ओहो वेज मूल तो घट है, तो उन की होया लाभ। तो हुण आपां लाभ देखांगे, लाभ किना होया बच्चों, लाभ बराबर वेज मूल माइनस खरीद मूल किना हो गया, वेज मूल किना है 16320 रुपए माइनस 16000, तक की आ गया देखो 320 रुपए। तो असी पता की करना सीगा कि लाभ हुई है या हानि हुई है, उस तो बाद लाभ प्रतिशत पता करो या हानि प्रतिशत पता करो। हुण अपने को लाभ हुई है तो हुण आपां की पता करांगे लाभ प्रतिशत। तो देखते हैं कि ये फार्मूला सी अपने को असी शुरू विच देखा सीगा कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला सी, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा खरीद मूल्य गुणा 100। लाभ किना है बच्चों 320 रुपए बटा खरीद मूल्य, खरीद मूल्य किना सी अपने को हुण सारा दोनों का 16000 गुणा 100। आ जीरो नाल आ जीरो कट गया, आ जीरो नाल आ जीरो कट गई, 16 दे टेबल से बेटे 16 एकम 16, 16 दुनी 32, तब हम की आया लाभ प्रतिशत बराबर 2%। इस सवाल विच भी देखिया कि सानू की दिता सीगा टीवी ते वीसीआर दा खरीद मूल दिता सीगा, ते जेड़ा उन्हें वीसीआर बेचा सी उन्हूं हानि हुई सीगी 4%, जेड़ा टीवी बेचा सीगा उन्हूं लाभ होया सी। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕੱਢਿਆ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਲਾਭ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਇਆ 320 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸੂਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 2%। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 8.2 ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।